देखो बेटा, हम लोग वेव के सेकंड पार्ट में क्या पढ़े, स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी, बोलो बेटा, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग। अब वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग में हम लोगों ने दो केसेस पढ़े, ठीक है ना। उन दो केसेस में हम लोगों ने क्या स्टडी की थी, स्ट्रिंग फिक्स बोथ एंड एंड स्ट्रिंग फिक्स वन एंड एंड अदर एंड फ्री, ठीक है ना, इसकी स्टडी की। इसके बाद छोटे छोटे दो प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखे, जैसे सोनोमीटर्स एंड मेलगेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाइब्रेशंस ऑफ आर्गन पाइप। आर्गन पाइप कैसे पढ़े हम लोग, एक क्लोज और एक ओपन कंडीशंस में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंड करेक्शंस, रिजोनेंस ट्यूब एंड डिटरमाइन द एंड करेक्शंस। ये सेकेंड पार्ट ऑफ वेव्स है, ठीक है ना। इसके फर्स्ट वेव में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शंस ऑफ वेव, ठीक है ना, इंट्रोडक्शंस ऑफ वेव। उसमें वेव की डेफिनेशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल्स वेव, ठीक है ना। साउंड वेव, साउंड वेव की कंडीशंस, इफेक्ट ऑफ साउंड वेव, ठीक, स्पीड ऑफ साउंड वेव, ओके। इसके बाद प्रोग्रेसिव वेव, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना, बीट्स, रिफ्लेक्शन एंड क्विंज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, ओके। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने स्टडी की, ठीक है ना। अब इसका एक छोटा सा पार्ट एक और बचा है, ठीक है ना, वो हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे, ठीक। बहुत बड़ा नहीं, दो से तीन क्लास में होता है वो, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड वेव, ठीक है ना, साउंड वेव इक्वेशंस, उसकी एनर्जीज, इंटेंसिटीज, ठीक है ना। इंटेंसिटी मीन्स लॉगरिथमिक इंटेंसिटी मीन्स लाउडनेस, ठीक है ना, पिच, फ्रिक्वेंसी, टिम्बर एंड सम रेंजेज, ठीक। वहाँ पर हम रेंजेज बताएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे सर ने फ्रिक्वेंसी रेंजेज नहीं बताई, जो हम लोग उन क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी, बताएंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी रेंजेज भी बताएंगे, वेव लेंथ रेंज, इंटेंसिटी रेंज, ये सारी कंडीशन हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के रखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसका है, वाइब्रेशन ऑफ आर्गन पाइप। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, एक क्लोज आर्गन पाइप ऑफ लेंथ L1, एक क्लोज आर्गन पाइप है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L1। देखो हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्यूशंस इसका देखते हैं हम लोग, एक क्लोज आर्गन पाइप, तो हम लोग क्लोज आर्गन पाइप बना लेते हैं। देखो क्लोज आर्गन पाइप का मतलब वन साइड क्लोज, ये क्लोज आर्गन पाइप हो गया। और जिसकी लेंथ कितनी दी है इसने, L1, जिसकी लेंथ L1 दी है, ये कंडीशंस दी है। और क्या बोल रहा है, एंड ओपन आर्गन पाइप, एंड ओपन आर्गन पाइप, सर्टेन डायटोमिक गैसेस ऑफ द डेंसिटीज। देखो एक क्लोज आर्गन पाइप लिया है, दूसरा कैसा ले लिया इसने, ओपन आर्गन पाइप ले लिया। मान ली ओपन आर्गन पाइप है, ठीक है, ऐसे हमने एक ओपन आर्गन पाइप ले लिया, ओके भाई, एक ओपन आर्गन पाइप हो गया, जिसकी लेंथ कितनी दी है बोलो, L2, ये पूछेगा, पूछ रहा है हमसे। और इसके अंदर जो मीडिया है उसकी डेंसिटीज गिवन है, इसके अंदर जो मीडिया है उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, ρ1, और इसके अंदर जो मीडिया है उसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, ये। और दोनों के अंदर डायटोमिक गैसेस हैं, तो सेम गैसेस हैं, ठीक, कैसी गैसेस हैं, सेम गैसेस हैं, डायटोमिक दोनों के अंदर गैसेस हैं, ठीक है ना। सर्टेन डायटोमिक गैसेस ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 रिस्पेक्टिवली, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस आर बोथ सेम, आर द सेम इन द बोथ द पाइप, मतलब दोनों पाइप के अंदर कंप्रेसिबिलिटी लिखा है इसने। देखो क्या लिखा है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी, दोनों पाइप के अंदर क्या लिखा है इसने, देखिए कंप्रेसिबिलिटी लिखा है, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी बोल रहा है भाई, देखिए इसमें तो कंप्रेसिबिलिटी दोनों के अंदर मान लो सेम है, इसके अंदर कितनी है, मान लो कंप्रेसिबिलिटी हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक, इसके अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी है, इसके अंदर भी कंप्रेसिबिलिटी है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बोलो, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कहाँ हम लोग पढ़े हैं बेटा, इलास्टिसिटी में। तो मीन्स इसका बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, 1/ कंप्रेसिबिलिटी है, ये मतलब दोनों के लाने बल्क मॉडुलस सेम है, दोनों के लाने क्या दिया यहाँ पे,
बल्क मॉड्यूलस क्या है बेटा? सेम है, देखो बिल्कुल लीजिए, अभी आगे बढ़ने दो, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, ओके, बोथ द पाइप विच आर वाइब्रेटिंग इन द देयर फर्स्ट ओवर टोन, दोनों को दोनों किस में वाइब्रेट कर रहे हैं बोलो बेटा? फर्स्ट ओवर टोन, ध्यान देना, ये भी किस में वाइब्रेट करता है बेटा? फर्स्ट ओवर टोन, दोनों फर्स्ट ओवर टोन में वाइब्रेट होते हैं विद द सेम फ्रिक्वेंसी, उस समय दोनों की फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाती है बेटा? सेम, अगर ये एन टू ले लें, इसका कितना ले लें एन वन, कंडीशंस ये है दोनों में फर्स्ट ओवर टोन यूज करना, तो उस समय दोनों की फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाती है? सेम, तब हमको बताना है बेटा कि लेंथ ऑफ ओपन पाइप क्या है, और नीचे ऑप्शन से लिखे हैं, क्या लिखा है, 4L1/3 स्क्वायर रूट रो 1/2, 4L1/3 स्क्वायर रूट रो 2/1, 3/4 स्क्वायर रूट रो 1/2, तब बोल रहा है कि जरा बताओ, तब पूछता है कि लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप बताओ, तो देखिए इसमें कैसा है क्लोज, कैसा आर्गन पाइप है बोलो बेटा? क्लोज आर्गन पाइप है, ठीक है, ये कैसा है? ओपन आर्गन पाइप है, तो फर्स्ट ओवर टोन की इसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है, किसकी लिखनी है? फर्स्ट ओवर टोन, तो अब ध्यान करो फर्स्ट ओवर टोन के लाने क्लोज में क्या फार्मूला होता है, देखो ओवर टोन कैसे स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है? जीरो, ठीक है ना, देख लो पिछले क्लास में है, क्या रहता है बोलो? जीरो ओवर टोन, तो जीरो ओवर टोन की फ्रिक्वेंसी जीरो के बाद फिर कौन सा आता है? फर्स्ट, कौन सा आता है? फर्स्ट ओवर टोन, और फर्स्ट ओवर टोन मीन्स होता है थर्ड हार्मोनिक, कौन सा होता है? थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना, तो ये हमने बोला था ना, इसीलिए मैंने बोला था कि ये पार्ट बहुत इजी है, बट इसमें हमको क्या करना होता है बेटा? ध्यान रखना होता है, क्या होता है कि ध्यान रखना पड़ता है हमको, ठीक है ना, मतलब लर्न रखना पड़ता है, अगर हम इसकी कंडीशन से पोजिशन से भूल गए, ठीक है ना, तो फिर हम उसका ये नहीं देख पाएंगे हमको कौन सा फार्मूला यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, तो इसलिए इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना है, ओके, तो देखो हम लिखते इसका फार्मूला, ठीक, अगर आप भूल रहे हो तो पूरी कंडीशन आपकी लिखी हुई है पिछले क्लास में, उसको देख लो, ठीक है ना, तो कैसे लिखते, देखो यहाँ पर एन वन इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक किसका फार्मूला होता है? 3V/4λ, और यहाँ से बी इक्वल टू क्या पुट करना है देखिए बेटा, बी इक्वल टू पुट करना पड़ेगा बी, बी मतलब बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस हम लोगों ने क्या लिखा है? K बाई रो, तो K तो दोनों में कैसा है बेटा? सेम है, K रहने दो या कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो K ही बना रहने दो, K दोनों में कैसा है? कंप्रेसिबिलिटी सेम है दोनों में, तो दोनों के बल्क मॉड्यूलस भी सेम हो गए भाई, दोनों की कंप्रेसिबिलिटी सेम है तो दोनों के बल्क मॉड्यूलस भी सेम हो गए, लेकिन डेंसिटी कैसी है? डिफरेंट, फर्स्ट में कितनी? रो वन, तो यहाँ देखो एन वन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 4L, ठीक है, लेमडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ओके, तो यहाँ 3V L के स्थान पे 4L1, और B को हटा लो, B के स्थान पर क्या वैल्यू रखनी है देखिए बेटा यहाँ से, K/ρ1, ये पहली फ्रिक्वेंसी बन गई, ये पहली फ्रिक्वेंसी बन गई, ऐसी इसमें देखो, अब इसका फार्मूला ध्यान करो, N2 ये ओपन है, ओपन का कौन सा देखना है? फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन मीन्स फंडामेंटल में कौन सा होता है? फंडामेंटल्स में जीरो होता है, ठीक है ना, तो इसके बाद सीधा फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें सीधे डायरेक्ट सेकंड हार्मोनिक आता है, जब सेकंड हार्मोनिक आता है और सेकंड हार्मोनिक को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवर टोन, तो फर्स्ट ओवर टोन का फार्मूला देखिए कैसे लिखते बेटा, 2B/2L, ऐसे हम लोगों ने लिखा है, या इसको ऐसे लिख लो या इसको B/L लिख लो, ठीक है ना, तो देखिए यहां से क्या वैल्यू पुट करनी है, L हमने V की वैल्यू अलग रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर ली हमने, L2 जो बताना है, और V के स्थान पर K/ρ, डेंसिटी यहाँ कितनी हो गई? ρ2, ये हो गई,
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दोनों फ्रिक्वेंसीज कैसी करनी है, इक्वल अकॉर्डिंग टू कंडीशंस दोनों फ्रिक्वेंसीज कैसी कर देनी है, बोलो बेटा इक्वल, ठीक है ना। तो दोनों को इक्वल कर लो, देखो यहाँ से सीधा कैसे लिखने हैं, एन टू इक्वल टू एन वन इक्वल कर दो, देखो वन बाई एल टू स्क्वायर रूट के बाई रो टू इक्वल टू थ्री अपॉन फोर एल वन स्क्वायर रूट के अपॉन रो वन। तो देखो क्या क्या कैंसिल होता है, कैसे के कैंसिल, कैसे के कैंसिल। अब हमको बताना क्या है बेटा, देखिए एल टू बताना क्या है, एल टू तो एल टू किस साइड ले जाना है, बाकी सब डाटा उठा के इस तरफ ले लो। तो देखो एल टू इक्वल टू कितना आ गया, एल टू और ये सब डाटा इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा फोर एल वन अपॉन एल टू और स्क्वायर रूट में ये इधर गया तो ये ऊपर आ जाएगा रो वन अपॉन रो टू। तो ये हमारे पास देखो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। देखो चाहे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हो चाहे वाइब्रेशन ऑफ आर्गन पाइप हो, इसमें हमको लर्न रखना है कि कौन सा हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन किसके इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे, देखो इसमें कौन सा आंसर सही हो रहा है इसके हिसाब से, भाई रो वन अपॉन रो टू फोर एल वन, देखो ये आंसर बी आंसर इसका सही हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। देखो और क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके देखिए कुछ ओरल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे कर लिए, कुछ क्वेश्चंस देखो हम लोग ओरल कर देते हैं, देखना ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। एक किलो जार्गन पाइप ऐसे बोलेगा, एक किलो जार्गन पाइप है और एक हमारे पास क्या है ओपन आर्गन पाइप है, एक किलो जार्गन पाइप है और एक ओपन आर्गन पाइप है, इसकी एल वन लेंथ और इसकी एल टू, ठीक इसका लेंथ L1 और इसका लेंथ कितना ले लो बेटा L2, ठीक है। फिर इसमें बोलेगा देखिए बेटा ऐसे बोल देगा कि इसका थर्ड हार्मोनिक, इसमें कौन सा हार्मोनिक मिलता है थर्ड हार्मोनिक, ऐसे बोल देगा इसका थर्ड हार्मोनिक और इसके इसका थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना, और इसके सेकेंड हार्मोनिक के साथ कैसा है रिजोनेंस है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है ना। किस तरीके से इसमें बोलेगा, ऐसे बोल देगा कि इसका ऐसे एक कैसा है क्लोज, ये कैसा पाइप है हमारे पास क्लोज आर्गन पाइप ऐसे देखो है, और ये कैसा हमारे पास है ओपन आर्गन पाइप है, तो इसका थर्ड हार्मोनिक क्लोज वाले का क्या, क्लोज वाले का थर्ड हार्मोनिक, क्लोज का थर्ड हार्मोनिक और ओपन के सेकेंड हार्मोनिक के साथ कैसा है रेजोनेंस कंडीशंस में है। रेजोनेंस कंडीशंस का मतलब फ्रिक्वेंसी दोनों की कैसी हो जाएगी सेम, तब बोलता है बेटा फाइंड एल वन अपॉन एल टू ऐसे बोल देगा। इस तरीके के बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, देखो जरा क्या आता है उसका आंसर। देखिए क्या बोलो क्या आंसर इसका आता है, तो दो कैसे लिखते इसमें है बिल्कुल इजी सिंपल सा, इसका कौन सा लिखना है थर्ड हार्मोनिक, तो पहले यहाँ देखो क्लोज की फ्रिक्वेंसी लिख लो, क्लोज पाइप क्या लिखना है क्लोज पाइप में थर्ड हार्मोनिक, क्या फार्मूला बनेगा थर्ड हार्मोनिक का थ्री बी बाई फोर एल वन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमको इनकी कंडीशंस पहले लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल लीजिए एक दो बार उसको ध्यान दो, दो बार लिखो सब लर्न होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ओपन की बात करते हैं,
ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, तो इसमें एन टू, इसकी कौन सी कंडीशन से लिखनी है बोलो, सेकंड हार्मोनिक, और सेकंड हार्मोनिक का इसमें क्या फॉर्म बोलो आता है, सीधा सीधा क्या आ जाता है, बी बाई एल टू, और दोनों कैसे हैं रेजोनेंस में, रेजोनेंस का मीन्स दोनों फ्रिक्वेंसीज कैसी हो जाती हैं इक्वल, तो इसको उठा के क्या कर दो बेटा, देखो इक्वल कर दो, एन वन इक्वल टू एन टू, एन वन इक्वल टू एन टू, ऐसे इक्वल कर दो, तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, थ्री वी अपॉन फोर एल वन इक्वल टू वी अपॉन एल टू, तो बी से बी कैंसिल, क्या पूछ रहा है एल वन अपॉन एल टू, तो एल वन अपॉन एल टू, एल वन इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें कि दो पाइप दे देगा, बोलेगा इसका ये हार्मोनिक या ये ओवर टोन, उसके फलाने हार्मोनिक फलाने ओवर टोन के साथ कैसा है रिजोनेंस, तो दोनों के फार्मूला लिखो, रिजोनेंस बोले इक्वल कर दो उसको, या पूछ दे तब बताओ एन वन अपॉन एन टू की वैल्यू क्या है, तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिख सकते थे, ठीक है ना, आल्सो फैंड में इस तरीके से बोल देगा, तो मान लो ऐसे बोलता बोलो एन वन अपॉन एन टू कितना होगा, ठीक है ना, तो एन वन क्या लिखोगे थ्री बी अपॉन फोर एल वन, ठीक है, फिर उसमें लेंथ दे देगा यहाँ पर बी अपॉन एल टू, तो थ्री एल टू अपॉन फोर एल वन, तब ऐसे लिख लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस टाइप के हमारे अरेंजमेंट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, सेम थिंग क्वेश्चन हमारे केस में रहते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में, ठीक है, किस में रहते हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसमें आर्गन पाइप के वाइब्रेशंस के क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसका क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में आता है वाइब्रेशंस ऑफ आर्गन पाइप का, ओके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं फिर हम लोग चेंज करेंगे क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, बहुत अच्छे से देखना बेटा, ठीक है, पहले एक ओपन आर्गन पाइप था, ध्यान देना क्या था बेटा, एक ओपन आर्गन पाइप है, ऐसे ले लो, एक ओपन आर्गन पाइप बना लो, क्या ले लिया बोलो, ओपन आर्गन पाइप, ऐसे एक ओपन आर्गन पाइप ले लो, ओपन आर्गन पाइप है जिसकी लेंथ कितनी दे दो L, और फ्रिक्वेंसी क्या ले लो इसकी F, लेंथ कितनी गिवन है इसकी L, और फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है बोलो F, जब कोई कंडीशंस ना बोले तो हम लोग कौन सी कंडीशंस ले लेते हैं फंडामेंटल, जब कुछ ना बोले तो हम लोग कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं फंडामेंटल मोड, ओके। फिर हम लोग अगेन क्या करते हैं बेटा, देखो इसको बहुत ढंग से देखो, अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर कंटेनर लेते हैं, ऐसे वाटर कंटेनर ले लो इस तरीके से, उसमें क्या रहता है वाटर रहता है, ऐसे वाटर रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसा हाफ डिप कर देते हैं, कितनी लेंथ इसकी डिप कर देते हैं बोलो हाफ लेंथ, हाफ लेंथ यहाँ पर हम लोग डिप कर देते हैं ऐसे, हाफ लेंथ इन साइड द वाटर, तो हाफ लेंथ कहाँ होगा आउट साइड द वाटर, आउट साइड द वाटर ऐसे, इस तरीके से आउट साइड द वाटर, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर देते हैं आउटसाइड द वाटर, ठीक है ना, हाफ लेंथ आउटसाइड द वाटर ऐसे बोलेगा। अब इसमें बोलेगा कि बताओ अब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी पूछेगा, लेकिन अब इसमें कंडीशंस देगा, देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंडीशंस देख लेना, हम कंडीशन थोड़ा चेंज करके बता रहे हैं इसमें है, ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर,
ऐप पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी बताओ इसकी, अब कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, अब इसमें कंडीशंस देगा कि हमको क्या यूज करना है। भाई इसमें तो बहुत सारे ओवर ट्यून, बहुत सारे हारमोनिक्स बनते हैं, बहुत सारे ओवर ट्यून बनेंगे और बहुत सारे हारमोनिक बनेंगे, तब इसमें कंडीशंस बोलेगा। अगर हम लोग इसका मान लो फंडामेंटल लेते हैं, फंडामेंटल ना लेके और कुछ ले लें इसमें से, ठीक है, और कुछ भी हम लोग मतलब कितनी भी कंडीशन से आप फंडामेंटल, ठीक है, इसके बाद इसमें क्या आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हार्मोनिक या ओवर टोन कुछ भी यूज कर सकता है। इसमें भी हमारे पास क्या कर सकता है 0 1 2 3 ओवर टोन या फर्स्ट थर्ड इस तरीके से हार्मोनिक, उस समय इसकी फ्रिक्वेंसी पूछेगा। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको दे दिए कैसा है, ओपन आर्गन पाइप है, लेंथ एल और फ्रिक्वेंसी एफ दी हुई है, इसमें फ्रिक्वेंसी एफ इसमें दी हुई है, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी इसकी एफ दी हुई है, ठीक है। तो देखो थोड़ा इसमें क्वेश्चन को चेंज करते, देखो ऐसे किस तरीके से इसमें हम लोग चेंज कर लें, तो इसका हम लोग क्या ले लें यहां पर, फंडामेंटल ही ले लो, फंडामेंटल मोड, और इसका भी फंडामेंटल मोड ही ले लो, फंडामेंटल मोड, और ये दोनों कंडीशंस कैसी हो जाती है बेटा बोलो, रिजोनेंस, दोनों कंडीशंस कैसी हो जाती है रिजोनेंस। हमको दूसरा भी ले सकते थे इसलिए थोड़ा थिंक कर रहे थे इसमें, ठीक है ना, कि इसका थर्ड जो थर्ड हार्मोनिक ले लेते या सेकंड हार्मोनिक ले लेते, इसका फर्स्ट हार्मोनिक ले लेते, तो कोई भी दो कंडीशंस लेके हम इसमें इक्वल करा सकते फ्रिक्वेंसी, मतलब इसका N1 और इसका N2, रिजोनेंस का मतलब ये दोनों फ्रिक्वेंसीज कैसी होनी चाहिए इक्वल। तो दो कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, इसका फार्मूला फंडामेंटल क्या फार्मूला होता है N इक्वल टू, ठीक है, क्या बनता है फार्मूला, क्लोज आर्गन सॉरी ओपन आर्गन पाइप है तो इसका फार्मूला आता है B बाई टू एल, और ये इक्वल टू कितना गिवेन है यहाँ पर बेटा F, ये इक्वल टू कितना गिवेन है बोलो बेटा F। इसका देखो फंडामेंटल कंडीशंस क्या आ रहा है N2, मतलब ये हमसे पूछ रहा है N2, हम लोगों ने क्या ले लिया F डैश, इसकी फंडामेंटल पोजीशन होती है V/4L, तो किस तरीके से बनता है हाफ लूप रहता है, और इसके फंडामेंटल में क्या रहता है बेटा एंटीनोड और एंटीनोड, इस तरीके से हाफ हाफ लूप एक लूप हो जाता है λ/2, तो 4L डैश, और यहाँ पे L इक्वल टू क्या पुट करना है देखिए बेटा, जितना एयर में यहाँ से तो क्लोज बन गया ना, वाटर ने इसको क्या कर दिया क्लोज कर दिया, वाटर ने क्या कर दिया क्लोज कर दिया, रेजोनेंस की कंडीशन ट्यूब के हिसाब से क्या कर दिया इसने क्लोज कर दिया, तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं L इक्वल टू L बाई टू, तो देखो यहाँ से F डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा B/4, यहाँ पर क्या रखेंगे L/2, मतलब F डैश इक्वल टू B/2L, और ये इक्वल टू किसके दिया है F, तो मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी मीन्स आंसर कितना आएगा बोलो बेटा F ही रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे किस में पूछे जाएंगे बोलो बेटा, वाइब्रेशंस ऑफ आर्गन पाइप में, जो इस सेकेंड पार्ट ऑफ वेब में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मोस्टली क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जाता है, वाइब्रेशंस ऑफ आर्गन पाइप का, ठीक है ना। क्या यूज किए देखो हम लोग इसमें, एक पाइप बोथ साइड ओपन, फिर हमने इसको किस में डिप कर दिया वाटर में, जैसे वाटर में डिप करेंगे तो ये क्लोज बन जाएगा, और कितना डिप किया हाफ लेंथ, तो ऊपर कितनी लेंथ इसकी बचेगी बोलो बेटा, हाफ लेंथ ही तो बचेगी, हाफ लेंथ कहाँ रह जाएगी इसमें, ऊपर रह जाएगी, इस तरीके से हाफ लेंथ कहाँ होगी ऊपर रह जाएगी, ठीक है ना।
तो इसकी फ्रिक्वेंसी इसने कितनी दे दी, एफ, लेंथ कितना दे दिया, एल। तो बोलता अब इसकी फ्रिक्वेंसी बताओ, दोनों में कंडीशंस कौन सी ली हमने, फंडामेंटल। जब कुछ ना बोले, दोनों रेजोनेंस बोल दिया, तो इसका मतलब दोनों की कंडीशंस हमको कैसी लेनी पड़ेगी, फंडामेंटल से लेनी पड़ेगी। दोनों की कंडीशंस कैसी हो जाएगी, बोलो बेटा, फंडामेंटली कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो दोनों का फंडामेंटल फार्मूला लिख लिया। इसकी देखो एफ की वैल्यू इतनी आ गई यहाँ पर, जब हमने एन टू मतलब एफ डैश लिखा, तो यहाँ से लेंथ के स्थान पे कितना काम आएगी, वाइब्रेशंस किसमें हो रहा है, इन एयर, ठीक है ना। तो हाफ लेंथ और क्लोज बन गया, क्लोज का फंडामेंटल बी बाई फोर एल होता है, तो एल के स्थान पर एल बाई टू, देखो सेम बन गया। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, एफ की, मतलब इसकी भी फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी रहेगी, बोलो बेटा, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एफ ही रहेगी। तो इस तरीके से हमको किसके क्वेश्चंस करने हैं, बोलो, किसके, वाइब्रेशंस ऑफ आर्गन पाइप, ठीक है ना। इसमें स्टैंडिंग वेव्स, मान लो स्टैंडिंग वेव इक्वेशंस हमको ये गिवन थी, ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करेगा, स्टैंडिंग वेव गिवन बाई, एक ही स्टैंडिंग वेव इक्वेशन हमको गिवन है, नहीं अगर स्टैंडिंग वेव बोलता है तब भी हमको पहचानना है, ठीक है ना, कि स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, तो इसमें मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, देखो ऐसे बोल सकता है, फाइंड एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, ऐसे बोल सकता है, टाइम पीरियड, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इस तरीके से बोल सकता है, एंड आल्सो, आल्सो फाइंड, ठीक है ना, अगर स्टैंडिंग वेव दे दे, आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड या ऑब्लिक एंटी नोड, ऐसे बोल सकता है। इस तरीके से इतनी सारी कंडीशंस यहाँ पे पूछ सकता है हमसे, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग वेव देख लो, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग के करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं सेंड करता आज आपको प्रैक्टिस के लाने, ठीक है ना। तो बोलो इस तरीके क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये कंपेयरिंग क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन रहता है, कंपेयरिंग क्वेश्चन रहता है। कंपेयरिंग क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे देखो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, सिक्स कॉस पाई है, ऐसे करते हैं पाई एक्स बाई फाइव, और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन फोर्टी पाई टी, ऐसे दो इक्वेशन, ये इक्वेशन है, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमको नहीं याद है तो फिर हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग क्वेश्चन है। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारे पास क्या रहती है बेटा, वाई इक्वल टू टू ए या कॉस, ठीक है, जो कॉस के साथ कॉस, तो यहाँ पे क्या रखोगे, टू पाई एक्स बाई लेमडा, ये इक्वेशन हम लोगों ने याद की है। यहाँ पर क्या है, साइन, तो साइन टी के साथ क्या होता है, टू पाई टी बाई टी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो हम लोगों ने बना के रखी थी, ठीक है ना। इसमें इसको इससे परेशान मत हो ना, साइन पहले हो गया कॉस पहले हो गया है, या साइन दोनों साइन हो गए दोनों कॉस हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो हमारे गिवन इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, तो चारों टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ बन के तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो बन गए स्टैंडर्ड हमारे पास, मतलब दोनों साइन में हो सकते हैं, दोनों कॉस में हो सकते हैं, ये कॉस ये साइन, ये साइन ये कॉस हो सकता है, बट क्या चेंज नहीं होगा, एक्स के साथ लेमडा और टी के साथ टी, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो इसको सीधा उठा के इससे कंपेयर कर दो, इसको सीधा उठा के क्या कर दो, कंपेयर कर दो। जैसे देखो कंपेयर करोगे
सारे इसमें क्वेश्चंस अपने मतलब सारी वैल्यू सॉल्व होती हैं। जैसे देखो कंपेयरिंग में सबसे पहले टू ए इक्वल टू कितना दिया है 6, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 3 यूनिट एम्पलीट्यूड। इतने एम्पलीट्यूड की प्रोग्रेसिव वेव हम लोगों ने यूज की है, इतने एम्पलीट्यूड की प्रोग्रेसिव वेव हम लोगों ने यूज की है, ठीक। और इसमें तो क्या कंपेयर कर सकते हैं, सीधा ऐसे कंपेयर कर क्या करो 2π/λ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2π/λ और ये इक्वल टू कितना गिवन है बेटा π/5। तो यहाँ देखो लेमडा मतलब वेव लेंथ, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया 10 यूनिट, ये वेव लेंथ आ गई। अब उन्हें की जैसे देखो नेक्स्ट कंपेयर कर लो, जैसे ये ले लें 2π/T, ये इक्वल टू कितना गिवन है देखिए 4π, ठीक है ना। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना निकल आया, पाई से पाई कैंसिल 1/20, ये आ गया। अब उन्हें की फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है तो n इक्वल टू 1/T मतलब 20, ये आ गया। अब जैसे स्पीड पूछ रहा है तो b इक्वल टू n लेमडा, यहाँ पर कौन सी स्पीड आती है बोलो, प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड आती है, स्टैंडिंग वेव की नहीं। स्टैंडिंग वेव में तो दो वेव रहती हैं, इतनी स्पीड इधर से इतनी इधर, नेट स्पीड क्या हो जाती है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं प्रोग्रेसिव वेव, जो हम लोग इनिशियल वेव यूज करते हैं उसकी स्पीड आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो v इक्वल टू n लेमडा, एन कितना है 20, लेमडा 10, तो ये कितना आ गया बेटा 200 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है ना। अब लास्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड या एंटी नोड, या ऐसे बोल देता डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड नियरेस्ट एंटी नोड, या ऐसे भी बोल सकता था लेंथ ऑफ लूप या हाफ लेंथ ऑफ लूप, 1/4 लेंथ ऑफ लूप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे बोल सकता है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे भी बोल सकता था, लेकिन इसने क्या पूछा यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, तो अभी बात हमको मालूम होना चाहिए कि दो नोडों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है। दो नोड अगर हम लोग ले लें या एंटी नोड ले लें तो एक लूप कंप्लीट बनता है। तो देखो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड या नोड, ठीक है ना, जिसकी कितनी रहती है लेमडा बाई टू। तो ऐसा क्वेश्चन इससे पूछेगा तो λ/2, तो बोलो भाई λ/2 लेमडा कितना है 10/2 इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। या बोल देता नोड की पोजिशन से बताओ, तो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड नोड की पोजिशन का मतलब फॉर नोड, ठीक है ना, एडिशनल थोड़ा। उन्हें अगर बोल देता फॉर नोड तो इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड कितना है 6cos πx/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो उसमें कहाँ कहाँ नोड बनते हैं वो कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। उन्हें कि जैसे एंटी नोड की बात कर दे, यहाँ से फॉर एंटी नोड की बात कर दे तो इसको हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्सिमम में कितना ले लेंगे 6, फिर x की वैल्यू फाइंड कर दो तो हमको एंटी नोड की पोजीशंस बोल देगा, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अब इसमें x की वैल्यू देगा वो x की वैल्यू रख करके इसमें कैलकुलेट कर दो। तो इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे किस में बनेंगे बोलो बेटा, स्टैंडिंग वेव में। इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे किस में बनते हैं स्टैंडिंग वेव में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज किसके क्वेश्चन बनाए हैं बोलो, वाइब्रेशन ऑफ आर्गन पाइप एंड स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास पे आपको बताएंगे हम एंड करेक्शंस एंड वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग के क्वेश्चंस, ओके। उसकी थ्योरी जब तक लर्न करके रेडी करो, ठीक है ना, ओके बेटा।